हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे आप सभी, आई होप कि आप सभी हर बार की तरह बढ़िया ही होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में वापसी। तो दोस्तों, अभी बज रहे दिन के 1:30 और घर पे मैं अकेला था, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के ब्लॉग शूट कर ले। वैसे मैंने ये भी सोचा था कि पढ़ाई कर ले, बट पढ़ाई तो होने से रही। परसों मेरा पेपर, बट थोड़ा सा तो पढ़ना ही पड़ेगा दोस्तों। और बाहर मैंने कपड़े सुखाने का डाल रखे हैं, मतलब धोने का डाल रखे थे, सुखाए नहीं है अभी, क्योंकि लाइट चलेगी, अभी पूरा अच्छे से धुले नहीं है। थोड़ा बहुत अभी खाना वाना खाया है, सामान भी ऐसे पड़ा हुआ है यहाँ पे, थोड़ा ठीक करते हैं। प्यास लग रही है मुझे, तो पानी भी ठंडा है दोस्तों, ठंडा पानी भी पीऊँगा, गला बैठ गया मेरा कल रात को। वैसे ही मौसम इतना ख़राब है, और कल मैं एकदम कूलर के सामने सो गया, एसी तो चलाया नहीं, और बाहर मेरा गला बैठ जाता है। तो दोस्तों, अभी थोड़े बहुत पढ़ाई वढ़ाई भी करनी है, परसों पेपर है, दो पेपर रह रहे हैं। परसों भी व्लॉग आएगा, एक व्लॉग शायद हो सके तो आ जाए। आज के तारीख है, आज 31 तारीख, 2 तारीख को पेपर है, 31 का ही महीना नहीं, हाँ परसों भी ब्लॉग आएगा, एक ब्लॉग आज भी आएगा। तो अभी घर का खेला हूँ, खाना वाना खा लिया है। आज बनाए थे मैंने सत्तू के पराठे, बहुत टाइम लग गया उसी में, आधा 1 घंटा, लेकिन वीडियोज़ देख के बना लिए फूल। तो अभी चलते हैं, गला बैठ रखा है दोस्तों बहुत गंदा, आइसक्रीम भी खा ली थी कल। तो अभी चलते, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। अभी घर पर अकेले बैठे, फ़ोन भी कब तक चलाएंगे, फ़ोन भी चार्ज नहीं है, वैसे लाइट वाइट आनी थी, अभी नहा के आया था। तो अभी चलते हैं, पढ़ते पढ़ते थोड़ा। तो दोस्तों, फाइनली पढ़ाई तो कम्प्लीट हो चुकी है। अरे इस किताब में, मेरे तो जितने ही पेपर हुए ना, सारे के नोट्स लिखे हुए इस किताब में। इसी किताब के अंदर मैं सारी चीज़ें लिखता हूँ, और आप सोच रहे होंगे ये दो चीज़ें मैंने क्या लटका रखी है, ये है पेंसिल डायग्राम बनाने के लिए, और ये है पेन काम करने के लिए। तो पढ़ाई तो हो चुकी है, मुझे आ रही है, बच्चों के 3 बजने वाले, 10-15 मिनट बचे, 10 मिनट बचे, वैसे तो बड़ी थोड़ी आ गए, तो 10 मिनट बचे, थोड़ी देर सो जाते 4:30-5 बजे तक। कोल्ड ड्रिंक पीने का मन हो रहा है, काम में कहा लग गया, कोल्ड ड्रिंक पीने का मन हो रहा है दोस्तों, इतनी गर्मी हो रही है बाहर, लेकिन कोई भी लाइट तो आ जाइए, कूलर चलाते हैं मस्त, थोड़ा दूर सोते हैं, इसको रखते हैं सही। तो दोस्तों, अब मैं जा रहा हूँ सोने, अब मिलते हैं आपसे सीधा शाम में। शाम में शायद वरुण आएगा, वरुण कह रहा था, तो देखते हैं, अगर आता है तो मिलते हैं वरुण भाई से भी। तब तक मैं जा रहा हूँ सोने। तो दोस्तों, फाइनली उठ चुका हूँ मैं, बज रहा है शाम के 5:30, और बड़ी गर्मी हो रही है दोस्तों, लाइट चली गई थी, कूलर भी बंद हो गया बीच में, और मैं ऐसी इसको खोल देता हूँ, थोड़ा रोशनी आएगी, और मैं ऐसी सो गया, मतलब पंखा मैंने चलाया नहीं था, मैं बोला लाइट जाएगी नहीं, तो कूलर में सो रखा था वो मस्त, और लाइट चली गई पूरा, गर्मी से हो गई थोड़ी, बट अब तो लाइट आ गई है। उठ चुका हूँ थोड़ा, और वरुण का कॉल आया भी थोड़ी देर पहले, कह रहा भाई 10 मिनट के लिए आ रहा हूँ, 10 मिनट बाद आ रहा हूँ, कह रहा आधे घंटे के लाऊँगा। मैंने बोला आ जा भाई, तब तक मैं भी चाय वाय पी लेता हूँ, मुँह हाथ धो लेता हूँ, थोड़ा सुस्ती सी आ रही है। पंखा तो ज़्यादा चालू कर दिया, फिर पंखा बंद करता हूँ, फिर चलते हैं। वरुण भाई के साथ आएगा स्कूटी लेकर, उससे पूछूंगा भाई तूने कितना पढ़ लिया, थोड़ा बिस्तर ठीक कर लेते हैं, उससे पूछूंगा भाई तूने कितना पढ़ लिया, मैं भी उसे बता दूंगा मैंने कितना पढ़ लिया। 35 मार्क्स का आएगा पेपर, तो 35 में से 20 से तो ऊपर लाने ज़रूरी है भाई हम लोगों के लिए, बाकी जो अच्छे हैं उनके 30 से ऊपर आ जाए। तो अभी वरुण का आने का वेट करते, तब तक मैं भी चाय नाश्ता कर लेता हूँ। तो दोस्तों, फाइनली वरुण भी आ गया है, गेट खटखटा, वरुण ही थे ना, हाँ वरुण ही है दोस्तों, भैया आ गए वरुण भाई हमारे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जल्दी आ गए आप तो, 10 मिनट बोल के 20 मिनट लगा दिया आपने, 25 मिनट भाई तुम्हारी गली से ही करा लो, बस गली करवा रहे, जरा कार रहे चल रहा है यार, स्मार्ट लग रहा है, देख करवाई, ये स्मार्ट ही लग रहा है, मैं लग रहा हूँ, लाइट जला ले, देख कौन लग रहा है स्मार्ट, लाइट क्या यार, पर्दे वर्दे हटाते हैं, कूलर चल रहा है, कूलर बंद करते हैं दोस्तों। अब बताओ कौन लग रहा स्मार्ट, और वरुण भाई क्या हाल चाल आपके, बताओ क्या हाल चाल है, बताओ। बस बढ़िया, पंखा तो चला लेते हैं आपके लिए, कूलर चला दे ना, बस रोशनी नहीं आएगी, दिक्कत हो जाएगी क्योंकि, चलो अभी चलाते हैं। और बताओ क्या खाओगे, चाय पानी है? पानी पिला दे, पानी जरूर आपको, पानी दोस्तों, वरुण भाई की थोड़ी खातिरदारी करते हैं, अब जरा पानी वानी पिलाते हैं, गेट तो बंद कर दिया। तो दोस्तों, वरुण भाई ने पानी वानी तो पी लिया, और कुछ सेवा करें आपकी वरुण भाई, क्या सेवा कर रहे हो? तो अभी चलेंगे थोड़ी देर बाद नीचे, जरा पापा आने वाले हैं ऑफिस से, आप ले जाएगा, आप लाए हो स्कूटी, खर्चा खर्चा तो आप करोगे, क्या बात करो, खर्चा भी करना होता है दोस्तों, कोई दोस्त वोस्त आता है आपके घर पे तो, और खर्चा ना करोगे तो ऐसा थोड़ी होता है, लूसी ने बच्चे दिए, आप करो खर्चा दोस्तों, इसकी डॉगी ने बच्चे दिए, आपको दिखाया ही होगा, मैंने एक आधा ब्लॉग में कितने बच्चे दिए, 10 बच्चे दिए भाई, 10 सीधा 10, मैं भी बहुत शौक हूँ यार, 10 बच्चे बेच रहा है फिर अभी, तो भाई 15 दिन तक अभी मुझे बहुत ख्याल रखना उनका यार, 15 दिन तक ख्याल रखेगा, वरुण ही है उसकी बाप, बच्चों का बाप है वरुण,
दस बच्चों का बाप बन गया वरुण भाई। ये फोटो दोस्त, चलो बढ़िया है दोस्तों। अब चलेंगे थोड़ी देर बाद हम बाहर, और जिसको भी खरीदने हो 15 दिन बाद। कितने रुपये में देगा वरुण भाई? 5,000 से स्टार्टिंग। 5,000 से स्टार्टिंग है? प्योर तो नहीं है? प्योर है दोस्तों, प्योर है। बीगल है ब्रीड, किसी को भी चाहिए होगा वरुण की ब्रीड है बीगल, तो ले लेना। 5,000 से स्टार्टिंग है, बाकी बार्गेनिंग कर लेना आप लोग। अभी फिर चलेंगे नीचे, तब मिलते हैं आपसे। अभी पापा आने का वेट कर रहा हूँ, अपने पापा के आने का, ऑफिस गए तो वो आएंगे, तो उनके आने के बाद नीचे चलेंगे कुछ सामान लेने। तो दोस्तों बज चुके हैं 6:30, पापा अभी तक आए नहीं है। वरुण ने गाने चला दिए झूमर में। ये रहा दोस्तों, देखो लाइट जल रही है ऊपर, इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये रहा देखो झूमर में इसने गाने चला दिए। वरुण कह रहा नया गाना है ये, तो अपने वाला भाई सुना दे। कह रहा ब्लूटूथ में कनेक्ट कर। ये वाला नया नहीं है। फिर कौन सा नया? नया तो ये वाला है। एक मिनट रुक जाओ, कौन सा है नया गाना? दोस्तों लाइट पे फोकस तो मार नहीं पा रहे हैं। सही है दोस्तों, झूमर में गाने चला रहे हैं, पापा गाने का वेट कर रहे हैं। जैसे आएंगे फिर मुझे आम वाम लेने, केले ले लेने, चाउमिन वाउमिन खाने चलेंगे। बस जल्दी से आ जाए पापा, तब तक गाने का इंजॉयमेंट करते हैं। तो दोस्तों वरुण तो चला गया है, पापा अभी तक आए नहीं है, बच्चों के साथ। और वरुण को घर से भी कॉल आ गया था, कुछ काम है उसे, तो चला गया वो। मैंने उससे बोला था वापस आएगा, अगर पापा रास्ते में दिख जाए तो वापस आ जाइए। अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है भाई, तो अब पढ़ते हैं थोड़ा बहुत, पापा आने वाले होंगे, मुझे आम लेने जाना और केले वेले थोड़ा। तो फिर अब देखते हैं वरुण आएगा वापस या नहीं आएगा। वैसे जाता मुझे लगता है आएगा कभी वापस, बट देखते हैं। फिर भी जब पापा आएंगे कॉल आ गया किसी का, तो सॉरी दोस्तों जरा कॉल आ गया था वरुण का। वरुण कह रहा भाई तेरे पापा तो दिखे नहीं रास्ते में। मैंने बोला चल कोई नहीं तू जा अपने घर। कह रहा भाई मैं जा रहा हूँ यार। मैंने बोला कोई बात नहीं, वैसे भी वो लेट हो गया था, बहुत देर से आया था। शाम हो रही है दोस्तों, अंधेरा तो हुआ नहीं है, तभी जाएंगे चौमिन खाने का मन हो रहा था। मैंने सोचा था वरुण को भी खिला देंगे, बट क्या करें उसके घर से कॉल आ गया। पापा भी थोड़ा लेट हो गया आने में, आज जाम लगा रहता है क्योंकि। तो अभी चलते हैं सामान लेने, थोड़ा सफाई वफाई करता हूँ किचन विचन की, फिर चलते हैं सामान लेने। फिर रात में पढ़ना वढ़ना भी है थोड़ा, क्योंकि मैंगो शेक लेने जा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मैंगो शेक पीने का मन होता है बहुत, और बनाना शेक, तो इसलिए। तो अभी चलेंगे नीचे, जब पापा आएंगे पापा को थोड़ा पानी वानी पिलाएंगे, फिर चलेंगे मैंगो शेक लेने, फिर दिखाएंगे आप सभी को भी। तो दोस्तों पापा तो आ चुके हैं, अब चाय बना रहे हैं उनके लिए यहाँ पे पीछे। चाय बनाते हैं फिर उन्हें सर्व करते हैं, नमकीन बिस्कुट देते हैं, फिर चलते हैं नीचे सामान वामान लेने। वरुण तो चला गया, वरुण को कॉल आया था भाई कि मैं निकल गया हूँ। मैं बोला कोई दिक्कत नहीं भाई, जल्दी चाय वाय बनाते हैं, दूध वूध डालते हैं चाय में, फिर चलते हैं नीचे। स्कूटी साफ़ करेंगे क्योंकि बहुत दिनों से चलाई जाएंगे। फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो दोस्तों स्कैम तो होते ही रहते हैं हमारे साथ, एक और स्कैम ये सही, दूध फट गया देखो, ये देखो। अरे पापा कह रहे पानी बना दूं, तो दोस्तों टैंक बना देते हैं पापा के लिए, क्या करें। लाया हूँ ये थोड़ा सा बचा था पहले का, लाया हूँ तो चाय बना दूं। ये थोड़ा सा बचा था कल का है परसों का, पता नहीं उबाला हुआ तो था। ठीक है तो दोस्तों अब चाय बनाते हैं, इसको तो फेंकना पड़ेगा। ये देखो पूरा फट गया, ये देखो पानी पानी अलग हो गया। अच्छी चलो कोई नहीं दोस्तों, इसके बाद एक और सही, अब बनाते हैं दूसरी चाय। तो दोस्तों ये है नई दूध की थैली, अगर ये फटी ना की बार तो मैंने चाय पीना बंद कर देना है। मजाक मजाक, ये इसकी एक्सपायरी डेट क्या है? 1 तारीख का, कल तक इसे उबालना पड़ेगा, इसका मतलब आज भी, वरना ये फट जाएगा भाई, रिस्क नहीं ले सकते। 60 रुपये की है, 59 रुपये की, 60 रुपये की मान लो। बताओ यार ऐसे दूध फटने लग गए तो हो गया लोगों का नुकसान भाई। तो गाइस निकल पड़े हैं अब हम दुनिया की सैर करने, चाबी ले ले तो यहाँ से, चाबी भी ले ली। पापा कुंडी लगा लो, अंधेरा हो गया है लगभग, जल्दी से चलते हैं लेने वाले सामान बहुत सारा। पापा कुंडी लगा लो, गेट खुला है दोस्तों, चलते हैं स्कूटी से चलेंगे थोड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ बन रही है रोड, और थोड़ा बारिश के चक्कर में थोड़ा कीचड़ हो जाता है ना,
तो बस इसलिए स्कूटी से चलेंगे। दोस्तों आ गया पार्किंग में, पीछे स्कूटी स्टार्ट कर दिया, थोड़ी देर इसका इंजन गर्म करते हैं। और आप पीछे देख ही सकते हैं अंधेरा थोड़ा यार, गंदी भी हो रही है दोस्तों, मैं कल ही साफ़ करूँगा अच्छे से। अब चलते हैं सामान लेने, ब्लॉग लंबा खींच जाएगा बहुत आज। कोई नहीं दोस्तों, देख रहे ना, अब चलते हैं सामान लेने, मिरर विरर सेट करते हैं, चलते हैं। तो दोस्तों आ गए, 3 किलो आ गए आम लेने, 3 किलो ये वाला तो आम निकाल दो अंकल, ये तो थोड़ा ख़राब हो रहा है, अलग हटाओ, बढ़िया से आम कर दो, 1 किलो कर दो यार। दो ही आम चढ़े दोस्तों, दोस्तों आम तो मिल गए, और क्या लेना था, केले तो सोसाइटी से ही ले लेंगे, केले यार दोस्तों होते ना सड़ भी जाते हैं, मैंगो तो इसलिए मैंगो शेक बना लो, 70 रुपये काट लो यार अंकल, 80 काट लो, 100 ग्राम 50 ग्राम फल चाहिए, वो तो चल जाता है, पूरा परफेक्ट तो मिलेगा नहीं अभी, इसमें कैसे हो जाता है अंकल, मैं कर रहा हूँ भाई, चलो लो काट लो, 500 का ही अंकल जी, अब क्या करें अब। दोस्तों बॉर्ड सिटी में देखो दोस्तों, रोड बन रही है एकदम बढ़िया, दो आम चढ़ते हो तो दोस्तों 1 किलो आधी किलो का एक आम। तो दोस्तों चौमिन खाने का तो मेरा प्लान बदल गया, मैंने सोचा जलेबी पैक करा लेते घर पे, पापा भी खा लेंगे। पीछे से आवाज़ आ रही, पीछे चल रहा कीर्तन, और ये रहे जलेबी वाले भाई, जलेबी बना रहे हैं मान ले, गरम कर देना भैया, गरम गरम यार, गरम नहीं है। चलो दोस्तों पैसे ऐसे कटाते हैं, तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके घर पे, टकाटक भी लाए थे, सॉरी टेढ़े मेढ़े आम, और ये थोड़ी सी जलेबी है, और 2 शैम्पू लाया था मैं अपने के लिए, क्योंकि शैम्पू घर पे ख़त्म हो गया, और अभी मुझे लग रही है बहुत तेज़ गर्मी, और भूख भी लग रही थी, पापा तो अभी नहाने गए, पापा के बाद मैं जाऊँगा नहाने, 2 शैम्पू उसके लिए नहाऊँगा, हेड एंड शोल्डर वाले, आप भी बताना आप कौन सा शैम्पू यूज़ करते हो। तो इस लॉक को करते हैं एंड, जलेबी तरफ देते ऐसे थोड़ी ठंडी हो जाएगी वरना, और कुरकुरे पुरकुरे खाएंगे बाद में। तो इस ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, इस ब्लॉग को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाय।